सोलन में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी गंभीर समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से जहां एक और व्यापारी प्रभावित हैं, वहीं किसान और पर्यटन भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभी तरह के विकास कार्य थम चुके हैं, ऊपर से हिमाचल में दांतलों के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कठिन समय आने वाला है, व्यापार में मंदी चल रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। 70 वर्षों में कांग्रेस ने नवरत्न कंपनी स्थापित की थी, जिससे भारतवासियों को रोजगार मिले थे, लेकिन बीजेपी ने वे कंपनियां बेच दी गई। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर कैसे हो सकेगा? विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने पीपीई किट मामले पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इल्जाम किसी पर था, लेकिन नैतिकता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिखाई। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एक और व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में काफी बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके अधीन है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राशन बांटने में भेदभाव किया गया है। त्रासदी के वक्त इस महाकाल जब हमारे सर पर मंडरा रहा है, एक तरफ रखनी चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और वो कर्तव्य है अपने लोगों को सहायता पहुंचाना। लेकिन इसके विपरीत आप देखते हैं हमारे प्रदेश में क्या हुआ कि इन्हीं चीजों में जो लोगों को राहत जानी है, जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी किट जानी है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जाना है, उन सब में ही धांधली सामने आई। और वो धांधली भी इस प्रकार की कि डायरेक्टर निदेशक हमारे स्वास्थ्य विभाग के अरेस्ट हो जाते हैं, जो अभी भी अरेस्ट में है, अजय गुप्ता जी। और पिछली रात श्री पृथ्वी सिंह जी को भी अरेस्ट कर दिया गया है, जो विजिलेंस ने किया है। तो इस प्रकार से हमारे जो सीएलपी का ग्रुप था और हम जो राजा वीरभद्र सिंह जी के निर्देशानुसार और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हम राज्यपाल से मिले और उन्हें कहा कि जिनके पास ये कार्यभार है उनको तो कुछ भी नहीं, उनकी जिम्मेवारी तो पिन डाउन होनी चाहिए। और ये इस्तीफा वहां पे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का होता है, तो ये हमारी समझ से परे है। इसलिए इसमें हम लोगों ने ये मांग की थी कि ये इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो, बाय ए सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट हो, नंबर वन। नंबर टू, एक व्हाइट पेपर इस पे जारी किया जाए ताकि इस प्रकरण का आम जनता तक जो ठीक तरीके से सूचना जाए। दूध का दूध, पानी का पानी, न्याय तो वही होता है। यही इसलिए हमारी मांग थी कि इसमें जिनके पास ये विभाग है, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के पास, उनको इस्तीफा देना, ये नैतिकता कहलाती है। और अब हम समझते हैं कि अब इस पे जो भी कुछ कार्रवाई होगी उसको हम उसका इंतजार करेंगे।